जाएंगे। चलो जाके पापा सो ओके 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 स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में और मैं हूं गोविंद रावत और उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं हूं चमोली जिला चांदपुर पट्टी में और आपको मैं यहां का नज़ारा दिखाता हूं। ये यहां का नज़ारा है और यहां पे एक मैंने अलग सा फूल देखा है, फूल है मैंने पहली बार देखे हैं, इस पर कांटेदार होता है ये। ये देखिए और मौसम जो है कि आजकल जो है कि एक टाइम बारिश तो हो ही रही है, चाहे सुबह कभी शाम को। ये यहाँ के पहाड़ है चांदपुर पट्टी का और इस वक्त मैं हूँ मलेठी गांव में। बहुत बादल आ रखे हैं ऊपर, तो आज का ब्लॉग जो है कि बहुत खास होने वाला है। आज हम जाने वाले हैं यहाँ से कहीं, हमारा रोटेशन 13 किलोमीटर का होगा। अच्छे भी बादल आ रहे हैं, अभी शायद शाम को फिर से बारिश हो जाए, इसलिए हम टाइम से निकल जाएंगे। तो अब हम जाएंगे बाइक में, बैठ चुके हैं बाइक में और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा बंडोली वाले रोड पे, वहाँ से नीचे जाएंगे और ये यहाँ तो अब पहुँच चुके हम नदी के पास में, कर्णप्रयाग में जाके मिलती है अलकनंदा से। तो यहाँ पे हम बाद में नहाएंगे आराम से, देखो यहाँ से चले जाएंगे। तो उतर के ले तो आएगी, चलो कैसे जाएगा पानी में से देखो। और देखो कितना पानी है वहाँ, आराम से नदी में। और अब हम नहाते हैं यहाँ पे, ये देखिए पानी कितना आ रखा है यहाँ पे, और यहीं से गाड़ी बाइक पार करते हैं।
सो गाइस, आज का हमारा टारगेट था चांदपुर गढ़ी, और चांदपुर गढ़ी के राजा का वो महल जो सन 16वीं से बना हुआ है वो दिखाने का, और आदि बद्री जो कि काफ़ी फेमस एरिया है यहाँ का, और यहाँ से कर्णप्रयाग भी लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये एरिया जो है कि काफ़ी ज़्यादा फेमस एरिया है यहाँ पे। अगर यहाँ की हिस्ट्री देखना चाहे तो जैसे कि नंदा यात्रा भी यहीं इन्हीं गांवों से होते हुए जाती है आगे। और दोस्तों, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं वहाँ नहीं दिखा पाया आपको, क्योंकि हमारी बाइक में जो है कि ऑयल भी लीकेज हो रही थी और बार बार बाइक बंद भी हो रही थी, जिसके कारण कि हमने आगे का रिस्क नहीं लिया। और आगे का जो सफ़र था हमारा वो बिल्कुल चढ़ाई वाला और कच्चा रास्ता था, और उसमें हमने सोचा कि क्योंकि काफ़ी रिस्क था तो इसलिए हमने कहा हम कहीं फंस ना जाए बाइक के साथ, क्योंकि किसी की बाइक थी तो हमने ये रिस्क नहीं लिया। तो गाइस, अभी बहुत सैड हूँ कि मैं वहाँ नहीं देख पाया और आपको भी नहीं दिखा पाया, तो आई एम सॉरी। मौका मिलेगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आज का इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो ऐसी देखने के लिए हमारे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक धन्यवाद।